आज हम बनाने जा रहे हैं अफगानी पनीर, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रीम, दही, काजू, धनिया, पनीर, प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन अदरक। तो गाइस, सबसे पहले हम मैरिनेशन की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमने एक कटोरी क्रीम ली है और इसमें हम एक कटोरी ही दही ऐड कर देंगे और इसमें कुछ सूखे मसाले जैसे नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर और हरी इलायची का पाउडर और कस्तूरी मेथी ऐड कर देंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। गाइस, इसमें कुछ लम्स नहीं रहने चाहिए। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम पनीर लिया है, जिसके हमने बड़े बड़े पीसेस काट लेने हैं। गाइस, हमने छोटे पीसेस नहीं काटने हैं, क्योंकि जब हम मैरिनेट भी करते हैं और फिर इसको पकाएंगे तो छोटे पीसेस होंगे तो उनके टूटने का डर होता है, तो पहले ही बड़े पीसेस काटेंगे। और पनीर को मैरिनेट कर लेंगे। गाइस, बहुत सॉफ्टली मैरिनेट करना है हमें, ताकि हमारे पीसेस बिल्कुल टूटे ना। इसको हम कम से कम एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे और इधर हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमने प्याज को रफली स्लाइस कर देना है। और इसी तरह से हम अदरक और लहसुन को भी रफली स्लाइस कर देंगे। गाइस, हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। हमें यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्ची, तेज पत्ता और दालचीनी ऐड की है। इसको हल्का सा पकाएंगे और अब इसमें हम प्याज और अदरक लहसुन के स्लाइसेस डाल देंगे। इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, जस्ट ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाना है। देखिए गाइस, हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है और अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और जो काजू भिगो के रखा है वो इसमें डाल देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें से जो खड़े मसाले हैं वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम इसको पीसेंगे तो दरदरा सा टेक्सचर आता है। और दूसरी तरफ हम एक नॉनस्टिक तवा लेंगे और इस पे हम अपने पनीर को पकाएंगे। गाइस, हमें पनीर को तेज़ आंच पे ही पकाना है, क्योंकि अगर स्लो आंच पे पकाएंगे तो पनीर अपना पानी छोड़ देगा और मैरिनेशन अच्छे से इस पे चिपकेगी नहीं। इसको हमें बार बार नहीं पलटना है, जब एक तरफ से लाल हो जाएगा तभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, हमारा पनीर एक तरफ से पक चुका है और हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। और इसी तरह से हम इसको दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका लेंगे। हमारा पनीर दोनों तरफ से पक चुका है। और हम कढ़ाई लेंगे वापस और उसमें जो प्याज, अदरक, लहसुन हमने पकाया था उसका पेस्ट बना लिया है और कढ़ाई में डाल दिया है। गाइस, हमारा ये पेस्ट
पहले से ही पका हुआ है तो इसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ी देर के लिए ही पकाएंगे। और जो हमारी मैरिनेशन बच गई थी वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी चीनी ऐड कर लेंगे। और इसको थोड़ी देर के लिए हम ढककर पका लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक लग रही है तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे ताकि कच्चे पानी का टेस्ट ना आए। ये देखिए गाइस, हमारी ग्रेवी पक चुकी है। अब हम इसमें पनीर ऐड कर लेंगे। और इसकी रिचनेस बढ़ाने के लिए हम थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लेंगे इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पांच मिनट के लिए इसको पकाएंगे और हमारा पनीर अफगानी बनके तैयार है। इसको अच्छे से बाउल में सर्व करेंगे। देखिए फूडीज, कितना प्यारा पनीर बनके तैयार हुआ है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस पनीर है। और इसको गार्निश करेंगे थोड़ी सी क्रीम के साथ। नेक्स्ट टेस्ट।